राजस्थान द्वारा आयोजित वाइब्रेंट राजस्थान। राजस्थान देश की वह धरती है जिसकी शौर्य वीरता की गाथा दुनिया के अंदर आज सुनी जाती है और हम सबको गर्व भी होता है। इसलिए राजस्थान वीरता, शौर्य, समर्पण, सेवा, संस्कार की धरती है और राजस्थान के इस कोटा में जिसने शिक्षा के नगरी के रूप में पूरे देश में अपना स्थान बनाया है, देश के सभी राज्यों के विद्यार्थी अपनी विविध संस्कृति, संस्कार, भाषा, वेशभूषा, भोजन, उन सब विविधताओं को कोटा की धरती पर समेटते हुए एक सबको प्यार स्नेह के साथ हमने बांधा है और विविधता के अंदर एकता, विविधता ही हमारी ताकत और शक्ति ये इस कोटा की धरती पर नजर आती है। कोटा एक वाइब्रेंट शहर है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इसकी पहचान राजस्थान में विशेष रूप से है। जब कभी आपदा, संकट, विपत्ति आती है तो उस समय आपदा, संकट, विपत्ति के समय एक वाइब्रेंट की तरह, एक सामाजिक सेवाओं की तरह समाज के प्रति समर्पण, अभाव, वंचित, गरीब व्यक्तियों की सेवा करने का संकल्प, ये यहाँ की संस्कृति और कार्य का हिस्सा है और इसी तरीके से कोई भी क्षेत्र ले लें आप, शिक्षा, चिकित्सा, इन सारे क्षेत्रों के अंदर भी कोटा ने एक प्रगति की है, समृद्धि की है। कोटा की पर्यटन, कोटा बूंदी का एक पर्यटन के रूप में भी विकास के नए आयाम हुए हैं। आने वाले समय में मुकंदरा नेशनल पार्क, बूंदी का रामगढ़ अभयारण्य, श्योपुर की चीता वाली सेंचुरी, इन सब को एक कॉरिडोर बनाकर हम किस तरीके से कोटा को पर्यटन के रूप में स्थापित कर सकें ताकि देशी विदेशी पर्यटन यहाँ आ सके और रोजगार का सृजन भी हो सके। मैं आप सभी, उन सभी महान विभूतियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ काम किया, प्रशंसनीय काम किया, सेवा का काम किया, उनको आज वाइब्रेंट राजस्थान ने, निजी न्यूज ने आज सम्मानित किया है, उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। किसी भी व्यक्ति को सम्मानित करने से किसी के कार्यों की प्रतिष्ठा, प्रशंसा करने से समाज में और लोगों को इस तरीके के काम करने की प्रेरणा मिलती है और इसीलिए पुरस्कारित करना, सम्मानित करना, अच्छे कार्यों की मान्यता देना ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। क्योंकि राजस्थान की अपनी एक पहचान है सेवा के लिए, समर्पण के लिए। राजस्थान का व्यक्ति देश और दुनिया में कहीं भी जाएगा, अपने संस्कार और संस्कृति के कारण
सामाजिक सेवा में वह हमेशा आगे रहेगा और इसीलिए समाज की इस सेवा कृपकों के कारण भी यहाँ पर भामाशाह हुए, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुए, मीरा जैसी भक्ति हुई और विभिन्न अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों की हम अलग अलग विशेषताओं को बताने लगे तो हर जिले हर गांव की अपनी एक विशेषता है और इसीलिए उन सब में मीडिया का भी एक विशेष योगदान होता है। मीडिया एक सजग प्रहरी के रूप में काम करता है, समाज के अभाव वंचित आपदा संकट और जो रोजमर्रा की जीवन के अंदर कठिनाइयां होती है या राज्य में कोई संकट होता है, किसी विपत्ति होती है, उसमें मीडिया सरकार का भी और प्रशासन का भी ध्यान आकर्षित करने का काम करता है। इसी कारण से मीडिया के सजग प्रहरी होने से प्रशासन संवेदनशील होता है, सरकार जवाबदेही से काम करती है और जनप्रतिनिधियों को भी जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम में मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी न्यूज राजस्थान इसी तरीके से शुरू से राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोगों की समस्याएं, उनके अभाव, उनकी कठिनाइयां, समाज में होने वाले हर घटनाओं को बहुत तेजी से सरकार के प्रशासन के ध्यान में लाने का काम करता है और प्रशासन घटनाओं को समझकर और त्वरित गति से काम करने का काम भी करती है और इसीलिए सरकार और समाज को संवेदनशील रखने में जहां समाज की भूमिका होती है वहां मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इस देश के अंदर प्रिंट मीडिया जिसको हम कह सकते हैं 18 शताब्दी के अंदर प्रिंट मीडिया की शुरुआत हुई थी और उस प्रिंट मीडिया के अंदर जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी थे वह कहीं ना कहीं मीडिया से उनका निकट का संपर्क था या खुद संपादक लेखक हुआ करते थे और इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ले लें, बाल गंगाधर तिलक ले लें, वल्लभ भाई पटेल ले लें, कितने ही क्रांतिकारी हुए जिन्होंने उस समय एक स्वतंत्र मीडिया के रूप में समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार घटी घटनाओं को अपनी कलम से लिखकर समाज के सामने बताने का काम किया और उस समय समाचार पत्रों की भी आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी और आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका थी। उसके बाद परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन हुआ, प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक बाद सोशल मीडिया, लेकिन मीडिया को जवाबदेही बनना एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। समाज के सामने जो हम चाहे वर्चुअल रूप से या प्रिंट के द्वारा बता रहे हैं उसमें मीडिया की प्रसार प्रामाणिकता और विशिष्टता बनी रहे क्योंकि जो घटना वो बता रही है समाज में उस समय जो लेखक हुआ करते थे, संपादक हुआ करते थे, वे समाज के जीवन दर्शन की सही बातों को अपनी कलम से लिखते थे और आज हम लोगों का विश्वास भरोसा मीडिया पर बना रहे इसके लिए मीडिया समूह की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ भी त्वरित घटनाओं को बता रहे हैं इन घटनाओं में वास्तविकता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए ताकि सरकार को भी और
प्रशासन को भी संवेदना से काम करने की जिम्मेदारी तय कर। अभी सोशल मीडिया के बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि वह समाज की घटनाओं को सटीक बताते प्रमाणित बताने का भी प्रयास करते। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमेशा मीडिया समूह को उठानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर समाज में जहां चुने व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है, चुने व्यक्तियों की जिम्मेदारी अपने अपने सदन में होती है, पंचायत से चुनाव व्यक्ति पंचायत की समस्याएं घटनाएं अभावों को अपने सदन में चर्चा करे, नगर पालिका के चुनाव में प्रतिनिधि नगर पालिका नगर निगम नगर परिषदों में चर्चा करें, विधानसभा में चुने हुए जनप्रतिनिधि विधानसभाओं में उनके जनता के अभाव आकांक्षाओं को सदन के अंदर रखें और संसद के अंदर संसद सदस्य जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से लेकर सरकार करें। हमारे लोकतंत्र की इतनी विशेषता है कि दुनिया के अंदर भारत का संसदीय लोकतंत्र ही सबसे मजबूत लोकतंत्र है, और लोकतंत्र अभी का नहीं, हमारी प्राचीनतम जीवन पद्धति के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमारी कार्यशैली के अंदर है, और इसीलिए कहते हैं कि सबसे प्राचीनतम लोक दुनिया लोकतंत्र है तो भारत के अंदर है, और यह प्रमाणित तथ्य है कि हमने जो भी निर्णय किए समाज को साथ लेकर सामूहिकता के साथ सर्वसम्मति से निर्णय करने की हमारी परंपरा रही है और विरासत रही है, इस विरासत को हम आगे लेकर जाएं और समाज के अंदर चाहे इन सदनों के अंदर समस्याएं अभाव घटनाएं हो, अलग अलग विचारधारा से लोग चुनकर भी आते हैं, लेकिन जब देश का सवाल होता है तो सदन में सभी लोग सर्वसम्मति से अपनी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और उस सर्वसम्मति से जो हल निकलता है मंथन निकलता है, चर्चा संवाद मंथन ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता रही, और चर्चा संवाद मंथन से जो अमृत निकलता है वो समाज के कल्याण के लिए होता है, और इसीलिए लोकतंत्र की 75 साल की यात्रा में हमने इसी चर्चा संवाद सहमति असहमति और कई विषयों पर सर्वसम्मति कई महत्वपूर्ण कानून बनाते समय अपनी अभिव्यक्ति और उस कानून के अंदर जनता की सहभागिताई, आज हमारे लोकतंत्र के इसी कारण हमने 75 साल के अंदर समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने की एक कीर्तिमान हासिल किया। लेकिन आने वाले समय हमारे सामने चुनौती का है, जब हम भारत के अंदर 25 साल जब आजादी के 2 साल हो, जब हम विकसित राष्ट्र बनाए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही संकल्प लिया, देश की जनता को संकल्प दिलाने का आह्वान किया कि हम सबको सामूहिकता के साथ मिलकर हम अपने अपने ड्यूटीज को ठीक से पालन करें अपने कर्तव्यों को निभाएं, तो आने वाले समय में जब आजादी के 2 साल हो भारत दुनिया का सबसे विकसित आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सबसे अधिक देश हो, और ये समाज उन सब लोगों की है जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी करके वो सरकारी होने के बाद भी किस तरीके से समाज में संवेदना के साथ काम करें, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एक बेहतरीन प्रयास करें कि किस तरीके से हम अच्छी शिक्षा देकर संस्कारी शिक्षा के नौजवान करें, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले बेहतरीन नई टेक्नोलॉजी चिकित्सा के साथ हम किस तरीके से आने वाले हर मरीज को स्वस्थ कर सकें, और इसी तरीके से प्रशासनिक अन्य क्षेत्र में काम करने वाले सभी क्षेत्र सामूहिकता के साथ काम करेंगे संवेदना के साथ काम करेंगे तो एक अपेक्षित परिणाम ला सकेंगे। मुझे आशा है कोटा एक वाइब्रेंट शहर है जहाँ पर हमेशा संवेदना हमेशा यहाँ पर रहती है, कोई भी सुख दुख पीड़ा हो तो हम सामूहिकता के साथ काम करते हैं, कोरोना के संकट के समय हमने जिस सामूहिकता के साथ काम किया पूरे देश ने जिस सामूहिकता के संकल्प के साथ किया हमने उस चुनौती को निभाकर दुनिया को बता दिया कि भारत की संस्कृति और संस्कार सामूहिकता से काम करने की हमारी शक्ति है, हमारे आर्थिक संसाधन कम हो सकते हैं
लेकिन हमारी सामूहिकता की ताकत बढ़ी है, यही हमारी शक्ति और संस्कार है। मुझे आशा है कि जो आज कार्यक्रम आयोजित किया है, जिन लोगों को दूसरे के उनसे और प्रेरणा लेकर समाज और लोग इसी सामाजिक सेवा के काम करते रहेंगे। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।